Welcome students, today we are going to study rules which are necessary for differentiation of a function. In the last lecture we have derived some of the derivatives of some standard function. Last lecture mein humne kuch standard functions ke derivative ko study kiya tha. Aaj hum differentiation ke alag alag niyam padhenge jo niyam hamare differentiation karne mein kaam aayenge. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग टॉपिक है, इसके बाद के टॉपिक हम आगे कवर करेंगे. तो फर्स्ट रूल होता है डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज जीरो. ठीक है, अचर का डिफरेंशिएशन जीरो होता है. ठीक है, मतलब अगर सी कोई अचर है, एक कॉन्स्टेंट है, अचर का मतलब कोई भी नंबर, एक, दो, दस, ग्यारह बटे पाँच, ठीक है, या पंद्रह, या माइनस तीन, या माइनस छः, ठीक है, या माइनस ग्यारह बटे पाँच. ठीक है, तो ये सब नंबर्स जो होते हैं जो कि बदल नहीं सकते, इन सब का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है. इन सब का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होने का बहुत सिंपल सा कारण होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन शो करता है रेट ऑफ चेंज. मगर जब हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें कभी परिवर्तन होता ही नहीं है. तो जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसका रेट ऑफ चेंज नहीं आ सकता, और जब रेट ऑफ चेंज नहीं आ सकता या जिसमें परिवर्तन शून्य है तो उसका डिफरेंशिएशन भी शून्य होता है. सेकेंड रूल है कि अगर एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, और इसका गुणा किसी कांस्टेंट से हो रखा है. ठीक है, मतलब कि अगर मैं मानता हूँ मैंने लिखा 5x, ठीक है, तो इसमें फंक्शन क्या है x और कांस्टेंट क्या है ये 5. ठीक है, तो ये जो 5x है, 5 × x, एक कांस्टेंट और एक फंक्शन, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, जब भी फंक्शन इंटू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो हम इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर ला सकते हैं, क्योंकि इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होने वाला था. ठीक है, इसका रूल हम आगे पढ़ेंगे दो का गुणा होने पे, मगर अभी हमें पता है कि कांस्टेंट का जीरो होने वाला था, तो इसीलिए हम इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर ला सकते हैं, और हमें केवल डिफरेंशिएशन करना होगा जो डेरिवेटिव के अंदर क्वांटिटी बची उसका. ठीक है, माना कि एफ एक्स एक अवकलनीय फलन है, मतलब इसका अवकलन किया जा सकता है, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तथा सी अचर है, तो dy/dx ऑफ सी एफ एक्स इक्वल्स टू सी dy/dx ऑफ एफ एक्स. ठीक है, मतलब आप कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लें और केवल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करें. ठीक है, थर्ड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन देखिए, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस, ये दो फलन हैं, ठीक है, ये दो फलन हैं, अगर इन दोनों फलनों का गुणा हो रहा है, देन द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फंक्शंस, इन दोनों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू दिस. ठीक है, मतलब इन दोनों फंक्शंस का गुणा हो रखा था, तो इन दोनों को हम एक बार में एक फंक्शन को डेरिवेटिव किया, दूसरे को ऐसा ही रखा, फिर प्लस लगाया, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव किया और पहले फंक्शन को ऐसे ही रखा. ठीक है, तो इस तरह से हम इन दोनों के डेरिवेटिव को ज्ञात करते हैं. ठीक है, दो फलनों के डेरिवेटिव को ज्ञात करते हैं. अगर अब आप ऊपर देखिए, जैसे हमने कहा था कि ये सी जो था, ये जो कांस्टेंट था, ये डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है. ठीक है, अगर इसको यहाँ पे एप्लीकेबल करके देखें, ये एफ एक्स तो एफ एक्स ही रहने दें, और इससे जी एक्स की जगह अगर मैं सी लिखूँ तो यहाँ पे सी आ जाएगा, और हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो मतलब ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाती, तो बचता क्या, सी dy/dx ऑफ एफ एक्स. ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है यही हमने यहाँ पे भी लिखा है. ठीक है, अब हम थर्ड रूल पे आते हैं, तो सॉरी अब हम फोर्थ रूल पे आते हैं, रूल नंबर फोर. तो रूल नंबर फोर क्या है कि इफ एफ एक्स
and g of x are two differentiable functions, then the derivative of fx upon gx, मतलब एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन में हमने क्या दिया, भाग दिया है, ठीक है। जब एक फंक्शन का हम दूसरे फंक्शन में भाग देते हैं तो इसका जो अवकलन होगा वो होगा बाय डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू। अब देखो इसमें रूल तो गुणा जैसा ही लगता है, मगर थोड़ा सा अंतर आता है। भाई इसमें ये दोनों गुणा हो रहे थे, दोनों भाग हो रहे हैं, ये दोनों तो साथ रहना चाहते थे, ये दोनों लड़ना चाहते हैं, तो जब लड़ना चाहेंगे तो घटेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जी एक्स ऐसा का ऐसा ही और डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स, फिर अब क्योंकि ये दोनों साथ नहीं रहना चाहते इसलिए घटेंगे, तो अब इसमें आ जाता है माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स ऐसा ही और डी बाय डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है। अब इसके साथ में जी एक्स का होल स्क्वायर भी आता है, ठीक है। तो क्या हुआ, एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डेरिवेटिव हुआ जी एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ जी एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम यदि एफ एक्स तथा जी एक्स दो अवकलनीय फलन हैं तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स का अवकलन उपरोक्तानुसार उपरोक्तानुसार मतलब जैसा आपको ये बताया ऊपर बताया, ठीक ठीक है। अच्छा ये याद रखिएगा कि दोनों डिफरेंशियबल होने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर दोनों डिफरेंशियबल हैं तो इसका अवकलन इस प्रकार से दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गया कांस्टेंट का जीरो होता है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गया कि अगर हमारे पास दो फलन हैं एफ एक्स और जी एक्स और दोनों का हो रहा है क्या गुणा, तो अगर दोनों फंक्शंस का गुणा हो रहा है तो गुणा होने की कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव किस तरह से करेंगे ये हमने देख लिया। अगर दोनों का भाग हो रहा है तो किस तरह से करेंगे वो भी हमने देख लिया। अब एक ही बीजी ऑपरेशन बचता है, संक्रिया बचती है, और वो है प्लस या माइनस की। हम दोनों को एक ही में मान के चलते हैं क्योंकि दोनों एक ही का अपोजिट माना जाता है और जनरली रूल्स जो होते हैं वो दोनों में एक जैसे होते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक जनरल टर्म में लिखते हैं, इफ एफ एक्स या इसको एफ वन कर लेते हैं, एफ टू एक्स, एफ थ्री एक्स एंड सो ऑन, एफ एन एक्स आर डिफरेंशियबल फंक्शंस देन द डेरिवेटिव of their sum or minus will be given as, ठीक है, यदि f1x
f2x, f3x and so on, fnx, भिन्न भिन्न अवकलनीय फलन हैं तो इनके योग या घटाव का अवकलन निम्न प्रकार होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस प्रकार होगा। आपको अगर कोई भी रूल दोबारा देखना हो तो आप वीडियो को वहीं पे पॉज कर दीजिएगा। अगर आप किसी भी रूल को क्वेश्चन करते टाइम अगर भूलें तो उसको देखने के लिए भी वीडियो को बैक कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के पास क्योंकि बैक करने की अच्छी सुविधा है या पॉज करने की, इसीलिए मैं कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना, तो अब हमारे पास इतने सारे फंक्शन थे, एन फंक्शंस थे। अब अगर हमें इनका डिफरेंशिएशन करना है सबके जोड़ या सब्सट्रैक्शन का, तो हम क्या करेंगे, किस तरह से होंगे भाई, ऐसे ही होंगे, प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है ना, ऐसे ही होगा भाई, यही प्लस होगा या माइनस होगा। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देना है और प्लस या माइनस जो भी साइन था, प्लस था या माइनस था, जो भी साइन था उसी साइन को वापस लगा देना है। ठीक है, अब कितने ही फंक्शन आपके पास हो प्लस माइनस होते हुए आपको सेम रूल को फॉलो करना है। ठीक है, सिंपली सबके सबका प्लस माइनस करते हुए ये डिफरेंशिएशन हम ज्ञात कर देंगे। ठीक है ना, तो ये तो थे वो रूल, जो रूल हमारे अभी आने जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें काम आएंगे। ठीक है ना, तो अब हम थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं। अब सबसे प्राइमरी हमारे जो काम में आने वाले डेरिवेटिव हैं पहले वो लिख लें। वैसे तो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने जो डेरिवेटिव निकाले थे वो सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस के निकाले थे और वो सारे मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को याद होंगे। मगर आपको अगर फिर भी वो याद नहीं है तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इसके बाद अगर आपको कभी भी फंक्शन के डेरिवेटिव्स या इन चीज़ों में दिक्कत आए तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करें। वीडियो को पॉज करके आप अपना जो भी वैल्यूज़ दिया हुआ है अवकलन करने के लिए उसका रूल देख लें कि उसका रूल में अवकलन कैसे हो रहा है, और वो रूल देखने के बाद उसके अकॉर्डिंग अवकलन करें। ठीक है, तो वीडियो को पीछे ले जाने ना भूलें। तो अब देखते हैं हम, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, जैसे सबसे सिंपल क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे पहला हमारा, चलिए रूल लिख लेते पहले। तो पहला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन। ठीक है, एन कोई भी नंबर हो सकता है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि एन जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नंबर कौन सा होगा। ठीक है, दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। ई पावर एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो ई पावर एक्स ही होगा। ठीक है, तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स। ई पावर एक्स के जस्ट बाद में हमने ए पावर एक्स का डेरिवेटिव डेरिवेशन पढ़ा था, तो ए पावर एक्स का होता है ए पावर एक्स लॉग ई बेस ए। ठीक है, ये तीन हो गए। चौथा जो हमने पढ़ा था वो था लॉग का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो ये होता है वन अपॉन एक्स। पांचवा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स। ठीक है, छठा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाता है माइनस साइन एक्स।
ठीक है, सातवां डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। आठवां, ठीक है, अगर आप सेक का कर रहे हैं तो ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इस चीज़ पे चलिए अभी आपको मैं ये बाद में बताता हूँ, कॉट एक्स, तो अगर आपने टेन का किया तो सेक स्क्वायर एक्स आया, कॉट एक्स में आता है माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, नवा डी बाई डी एक्स, अब बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन से फंक्शन बचा है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, अब दो ही फंक्शन बचे हैं, एक सेक एक्स, तो जब सेक एक्स का करते हैं तो इसका होता है सेक एक्स टेन एक्स, अब सेक एक्स की तरह क्या दिखता है, तो सेक एक्स की तरह दिखता है कॉस एक्स एक्स, इसका भी करके देख लेते हैं, सेक एक्स ने क्या किया था, सेक एक्स का जब डेरिवेटिव हमने किया था तो एक तो सेक आ गया था और एक आ गया था टेन, ठीक है, जबकि टेन के में क्या पूरा सेक हो गया था, मगर सेक ने क्या बेईमानी कर लिया आपके साथ, सेक ने एक तो खुद रख लिया, एक टेन को दिया, एक खुद भी रख लिया, ठीक है, टेन ने बेचारे ईमानदारी से दोनों दे दिए, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कोट ने बेचारे ने ईमानदारी से दोनों दे दिए थे, तो कोसेक क्या करेगा, कोसेक वही करेगा जो सेक ने किया, एक अपने पास रख लेगा, एक कोट को दे देगा, ठीक है, और एक माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक बार रोकना चाहूँगा, इस फॉर्मूले के अंदर कुछ चीज़ है जो हमें याद रखनी चाहिए, देखिए कॉस का किया कॉस शुरू होता है सी से, कोट का किया कोट शुरू होता है सी से, कोसेक का किया कोसेक शुरू होता है सी से, ठीक है, तीन छः फंक्शंस में से तीन फंक्शन सी से शुरू होते हैं और तीन फंक्शन सी से शुरू नहीं होते, ठीक है। अब दूसरी चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने माइनस कहाँ लगाया, यहाँ लगाया और यहाँ लगाया और यहाँ लगाया, ठीक है, तो तीन फंक्शन जो सी से शुरू होते हैं उन्हीं तीन फंक्शन पे मैंने माइनस दिया, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि माइनस किस फॉर्मूले में आता है, साइन कॉस टेन वाले में, जिसमें जो सी से स्टार्ट होता है, जो सी से स्टार्ट होता है उसमें माइनस आता है, ठीक है। दूसरी बात, टेन और कोट बेचारे ईमानदार थे, पूरा पूरा वैल्यू दे देते हैं, मगर सेक और कोसेक दोनों बेईमान थे, एक एक वैल्यू अपने पास रख लेते। देखिए ये सब कुछ तरीके हैं, वो तरीके हैं जिनसे हम इन डिफ्रेंसिएशंस को याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और फंक्शंस के भी डेरिवेटिव होते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब साइन इनवर्स एक्स है तो ऑब्वियस सी बात है कॉस इनवर्स एक्स भी होगा, ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स सिंपली माइनस 1/x² होता है, मतलब कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स में क्या अंतर आया, केवल माइनस का अंतर आया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं टेन इनवर्स एक्स लिखूं तो टेन इनवर्स एक्स होता है 1/x², ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आप समझ सकते हैं कि टेन के साथ क्या होता है, ऐसे तो टेन के साथ में सेक होता है, मगर हम टेन का रिप्लिकेंट कोट माने तो कोट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/1 + x² अंतर किसका है, अगेन केवल माइनस का, ठीक है। इसके अलावा अभी आपको जैसा पता है दो फंक्शन और बाकी हैं, एक होता है सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/mod x√(x²-1), ठीक है, और कंडीशन इसके साथ होती है मोड एक्स इज ग्रेटर देन 1, मोड एक्स का मान एक से अधिक होने पर ही हम ये वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। उसका कारण क्या है कि अगर मोड एक्स का मान एक से कम हुआ तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो पूरी संख्या है ये जीरो से कम हो जाएगी, नेगेटिव नंबर हो जाएगा, नेगेटिव नंबर अंडर रूट में है तो हम उसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगला रूल, तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, साइन कॉस टेन कॉट सेक, अब बचा क्या, बचा बस एक ही कॉस एक्स इनवर्स एक्स,
तो cos x इनवर्स x, तो जैसा हम देखते आ रहे हैं sin इनवर्स cos इनवर्स, tan इनवर्स cot इनवर्स, sec इनवर्स, तो cos x इनवर्स आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा। कंडीशन इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, ये कंडीशन होगी। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक जो फॉर्मूला हमें चाहिए होंगे, ठीक है, वो हैं। ठीक है, अब आपको अगर एक बार इसको दोबारा रिवीजन करना है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके इस वीडियो को थोड़ी देर इन फॉर्मूलों को पढ़िए, थोड़ी देर इनको याद रखने की कोशिश कीजिए, ताकि हम जब इनके क्वेश्चन करें तो हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एग्जांपल्स के ऊपर। हमने जो रूल पढ़े, हमने रूल पढ़ा कांस्टेंट का ज़ीरो होता है, ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन पढ़ा, सब्सट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा और मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट पढ़ा और डिवाइडेशन पढ़ा, ये सारे रूल हमने स्टडी कर लिए। तो अब हम एक छोटे से एग्जांपल से लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए डी बाई डी एक्स। अब मैं आपसे कहता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसमें कितने फंक्शन हैं, इसमें दो फंक्शन हैं, जो दोनों फंक्शन एक साइन प्लस से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है टू साइन एक्स, ठीक है। तो सबसे पहला तो रूल लगता है कि ये दोनों जो प्लस से जुड़े हुए हैं तो इनको प्लस से अलग कर दो, तो प्लस से अगर मैं इनको अलग करूंगा तो ये क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टू साइन एक्स, ठीक है, यही बनेगा ना, एक्स स्क्वायर और टू साइन एक्स, यही बनेगा। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो अब हमारे पास जो रूल है उसमें हम देखते हैं एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे एन है दो, तो क्या आ जाएगा, दो एक्स की पावर दो माइनस एक, तो इसको हम लिख लेते हैं दो एक्स की पावर दो माइनस एक, ठीक है, प्लस। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें है डी बाई डी एक्स ऑफ टू साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दो चीज़ें हैं, एक तो टू है और एक है साइन एक्स, ठीक है ना, एक चीज़ तो है टू और एक चीज़ है साइन एक्स, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने सेकंड रूल में पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो आप बैक जाके देखिएगा, हमने सेकंड रूल में पढ़ा था कि कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये आ गया टू, टू माइनस वन वन होता है, तो ये आ गया एक्स, प्लस टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x, ठीक है। तो इस फंक्शन का, इस फलन का अवकलन ये आ गया, ठीक है, और सवाल कंप्लीट, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको जो भी प्रीवियस में रूल और जो भी फॉर्मूले बताए गए हैं आप उन सबको अच्छे से याद कीजिए। अब हम एक और फंक्शन का करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी हमने दोनों को प्लस में रखा था, ठीक है ना, अब हम दो फंक्शन ऐसे ले लेते हैं जो गुणा में आ जाएं, ठीक है, ई पावर एक्स साइन एक्स, चलिए इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स, ठीक है ना। इसमें अब मल्टीप्लिकेशन भी आ गया और माइनस भी आ गया, क्योंकि हमेशा प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस भी होना चाहिए कभी ना। तो अब इसका तरीका क्या होगा, इसका तरीका भी वही होगा, पहले दोनों को अलग कीजिए प्लस या माइनस के साइन से, तो दोनों को अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स साइन एक्स ब्रैकेट बंद माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है। एक बार साइन एक्स एक फंक्शन आ गया, एक बार दूसरा फंक्शन आ गया, दूसरों के बीच दोनों के बीच में वही साइन आया जो इन दोनों के बीच में यहां पर पहले से था, ठीक है। अब ये दोनों फंक्शन गुणा हो रहे हैं,
तो जब दोनों फंक्शन गुणा होते हैं तो गुणा होने वाले फंक्शंस के लिए जो रूल बताया था वो पीछे जाके देखिएगा, तो उस रूल को हम फॉलो करें तो उस रूल के अकॉर्डिंग साइन एक्स को पहले हमने बाहर लिख लिया और डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स माइनस, फिर अब हमने क्या किया कि लॉग एक्स को बाहर लिख, ये चलिए पहले एक पैर पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो e पावर x का किया, साइन x को बाहर लिखा, तो फिर प्लस, अब हम साइन x का करेंगे, e पावर x को बाहर रख लेंगे, ठीक है। अब ये एक पेयर पूरा हो गया। चलिए फिर माइनस का साइन ये वाला, इसका करें तो इसमें x स्क्वायर और log x है, तो हम log x को पहले बाहर रख लेते हैं और d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस अब एक्स स्क्वायर को बाहर रख लेते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, ई पावर एक्स साइन एक्स और एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ये दोनों माइनस में थे, दोनों को माइनस से अलग कर दिया, ठीक है। माइनस और प्लस से हम अलग कर सकते हैं, याद रखिएगा, इन दोनों को अलग कर दिया। अलग करने के बाद इन ये दो गुणा में फंक्शन है तो एक फंक्शन को रखा बाहर, दूसरे का किया प्लस लगाया, फिर जिस फंक्शन को पहले किया था उसे अब बाहर निकाल दिया और जिस फंक्शन को पहले बाहर निकाला था उसे अंदर ले लिया। फिर माइनस साइन, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अपनाया हमने, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स तो साइन एक्स हो गया, ठीक है, और ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पीछे जाके देखिएगा, मैंने आपको लिखा है ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स होता है, ठीक है। प्लस अब ई पावर एक्स ऐसा का ऐसा ही, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने लिखा है कॉस एक्स, ठीक है। माइनस लॉग एक्स, ये ऐसा का ऐसा ही रह गया क्योंकि बाहर था, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स था, ठीक है। अब अगर मैंने ब्रैकेट को ओपन किया तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस अंदर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन पीछे देखिएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया फाइनली, ई पावर एक्स, इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस। अब देखिए ये हो गया टू एक्स log ऑफ x माइनस, अब एक्स स्क्वायर एक्स से कटा तो बचा x, ठीक है। तो ये हो गया इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये दोनों फंक्शन माइनस में थे, गुणा में भी थे दो, जब हमने इनको डिफरेंशिएट किया तो एक पेयर तो हमारे पास आ गया इससे, एक पेयर हमारे पास आ गया इससे, और दोनों के दोनों माइनस साइन बीच में लगा रहे, ठीक है ना। तो ये होता है जबकि दो फंक्शंस गुणा में होते हैं। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जबकि दो फंक्शन डिवाइड में, भाग में होते हैं, ठीक है। तो मानिए कि हमारे पास एक फंक्शन है डी बाई डी एक्स, हमें किसका निकालना है, तो हमें निकालना है कॉस एक्स अपॉन क्या लें एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 5। मैंने थोड़ा सा बड़ा फंक्शन लिया ताकि हमने जितने भी रूल अभी तक पढ़े हैं वो सारे रूल कवर हो जाएं, ठीक है ना। तो अब हम फर्स्ट रूल जो हमारा प्लस माइनस का रूल था उससे सबसे पहले तोड़ लेंगे इसको, तो इसको तोड़ेंगे तो d बाई डी एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस d बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, ठीक है। तो ये हमारा रूल जो था वो था एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स होने पे क्या होता था, जी एक्स को ऐसा ही रखते थे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे, माइनस एफ एक्स को ऐसा ही रखते थे जी एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे, और अपॉन में जो भी जी एक्स होता था उसका होल स्क्वायर कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है हम इसको लिखेंगे एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, और पूरे के अपॉन में एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है।
पहला ये नीचे वाला फंक्शन, ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर का डिफरेंशिएशन, ऊपर का फंक्शन ऐसा ही, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और नीचे वाले फंक्शन का क्यूब, माइनस यहाँ पे है कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब प्लस, अब ये है कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का अवकलन, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो। ठीक है, अब देखते हैं एक्स क्यूब, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पीछे देखिएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स। अब एक्स क्यूब जो है उसका डिफरेंशिएशन एक्स पावर एन से निकलता है, एक्स पावर एन में डिफरेंशिएशन क्या था, एन एक्स पावर एन माइनस वन, यही था, और इसका होल स्क्वायर था तो ये हो जाएगा पावर सिक्स माइनस टू। अब एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन एक्स पावर वन माइनस वन, जीरो लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब यह आ गया माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस थ्री, थ्री माइनस वन टू, तो थ्री एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन एक्स पावर सिक्स माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस वन माइनस वन, वन माइनस वन मतलब जीरो, किसी की भी पावर जीरो लगाते हैं तो वन आता है, तो यहाँ पे बचा केवल टू। ठीक है, तो हमारा जो ये फंक्शन था इसका डेरिवेटिव आ गया ये। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कितने रूल, हमने अलग अलग तरह से जितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, डिवाइडेशन हो सकते हैं या सम हो सकता है, सबसेक्शन हो सकता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो सकता है, ये सब चीज़ें हमने, इन सब चीज़ों के रूल पढ़े, हमारे जो स्टैंडर्ड फंक्शंस थे उनके डिफरेंशिएशन देखे। ठीक है, तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि आपको मैंने जो डिफरेंशिएशन सारे फंक्शंस के लिख के बताए थे आप उसका एक स्क्रीनशॉट खींच लें अगर आपको दिक्कत होती है बार बार तो। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि आप उसका स्क्रीनशॉट ना खींचें, बहुत इमरजेंसी आ जाए, आपको बिल्कुल भी याद नहीं आए तभी पलट के जाके देखें, अदरवाइज़ उसका उपयोग ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुद की मेमोरी का याद रखने का प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस होपफुली आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे, अगर आपको दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि हमें सर ये दिक्कत आई थी, तो उनका भी हम सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री लॉग एक्स। ठीक है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक है, आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस थ्री लॉग एक्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस फोर टेन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। ठीक है, अगला हम लिखते हैं ई पावर एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या है कि बटे में भी है और गुणा में भी है, तो इसमें दोनों रूल लगेंगे, तो दोनों रूल किस तरह से लगेंगे, कौन सा रूल कब लगेगा, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स, इसका डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन आसान सा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस फोर एक्स माइनस लॉग एक्स होल अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, ये पांच क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अगर आपको कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा,
ठीक है, अभी तक ये होता था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी प्रीवियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, मगर हम इसको थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए अब इसे छोड़ रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में दीजिएगा, अगर आपकी कमेंट में मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो मैं इनका एक वीडियो बना के इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।